दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों 720p पिक्सल इसका रेजोल्यूशन है इस फ़ोन का, और यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 1080 पिक्सल में कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ दोनों स्मार्टफोन में दी गई है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में, यानी कि जो फ्रंट कैमरा भी है वो भी 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्ड करता है, और जो इसका रियर कैमरा है वो भी 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तो काफ़ी एक अच्छी बात है, और काफ़ी जो है आप देख सकते हो क्लैरिटी। और जो मैं ऑडियो ले रहा हूँ इसमें कोई माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, और सिर्फ जो है फ़ोन से ही ये जो ऑडियो है इसका रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो बनना है। तो देख सकते हो किस तरीके से आपको आउटडोर में क्लैरिटी मिल जाती है इस फ़ोन की। तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक प्राइस के हिसाब से मिल जाता है। तो आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग पसंद आई होगी तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1080 पिक्सल में फुल एचडी ये वीडियो बनना है इनफिनिक्स हॉट S3 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाती है कैमरे की। और ये मैं अपनी छत पर आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल गया होगा कि कितना इसमें स्टेबलाइजेशन है, और यहाँ पे ठीक ठाक काम कर लेता है। प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे जो इसका वीडियो है और मिल जाता है। और यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है इसमें 720p पिक्सल से ऊपर दी गई है। इसमें 1080 पिक्सल का वीडियो भी रियर कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो, तो काफ़ी एक अमेजिंग है। अगर थोड़ा सा मैं दौड़ता हूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है फुटेज मिल जाती है वीडियो की। तो ये काफ़ी अच्छा है और ठीक ठाक काम कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो।